आज ना मैंने घी तैयार किया है मलाई से, जैसे कि मैंने प्रेशर कुकर में बनाया है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही आसान तरीके से, बगैर किसी झंझट के बनता है ये घी। मैं हमेशा ऐसे ही 10 दिन का मलाई जमा करती हूँ और घी तैयार करती हूँ। घी के साथ साथ इतना खुरचन भी बना है, तो इस खुरचन को मैं होममेड मिठाई बनाऊंगी, कुछ उसमें यूज़ कर लूँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जब मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और आप भी इसी तरह घी को प्रेशर कुकर में बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मलाई से घी तो सबके घर में बनता है, आप सब बनाते ही होंगे अलग अलग तरीके से, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इसमें ना। तो चलिए आज मैं आपके इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आई हूँ, क्योंकि आज मैं जो मलाई से घी बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर में, जो कि बहुत ही कम टाइम में बनने वाला है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डूडल की रसोई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में घी। तो इस घी को बनाने के लिए मैंने यहाँ देखे एक हफ्ते का ये मलाई जमा किया हुआ है। ये मलाई जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। कुकर को मैंने गैस के ऊपर यहाँ गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे करीब आधा कप पानी। ये पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ ना कि कुकर की तली जले नहीं। अब इसमें इस मलाई को हम ट्रांसफर करेंगे। इसे करीब 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मेल्ट होने देते हैं मलाई को। 2 मिनट हो चुका है और ये हमारा देखिएगी, माफ कीजिएगा, मलाई मेल्ट हो चुका है। इसमें अब डालेंगे एक चुटकी सोडा, खाने वाला सोडा, सिर्फ एक चुटकी ही डालना है। इसे मिक्स कर लेना है और कुकर का लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पे ही एक सीटी दिलवा लेंगे। खाने वाला सोडा डालने से क्या होता है ना कि घी हमारा दानेदार बनता है, और बहुत ज़्यादा दिन आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में या बाहर भी। तो आप ज़रूर डालिएगा खाने वाला सोडा। कुकर ने एक सीटी दे दिया तो मैंने गैस बंद कर दिया है। अब कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं, फिर इसका लिड खोलना है। कुकर ठंडा हो चुका है, ढक्कन हटा लेंगे। वापस से गैस ऑन करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अभी पकने देते हैं। इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है ताकि ये नीचे सटे नहीं। वैसे ये सटता नहीं ही है। अब जब घी का खुरचन इस तरह से दिखने लगे ना, तो इस पे हमें पानी की थोड़ी सी बूंदें डालनी है। खुरचन ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है बस, और थोड़ी देर में हमारा घी तैयार होने वाला है। फाइनली हमारा ये घी तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद करते हैं। कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इस घी को एक जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। घी मैंने जार में निकाल लिया हुआ है और ये देखिए साथ ही साथ ही इतना खुरचन भी बच चुका है। इससे मैं बाद में मिठाई बनाऊंगी। तो बस ये हमारा घी अब
यूज करने के लिए तैयार है। और आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस होममेड घी जिसे मैंने प्रेशर कुकर में बनाया है उसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से अपनी रसोई में बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।